मैं सिमरन और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आज मैं आपको बॉलीवुड के इस अभिनेता से मिलवाऊंगी जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2015 में आई फिल्म मसाल से की थी। इस फिल्म के लिए उन्होंने इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड के तहत बेस्ट मेल डेब्यू पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। मैं बात कर रही हूँ एक्टर विक्की कौशल की। विक्की कौशल का जन्म 16 मई 1988 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। विक्की के पिता का नाम श्याम कौशल है जो कि कई बॉलीवुड फिल्मों में बतौर एक्शन निर्देशक और स्टंट कोऑर्डिनेटर में काम कर चुके हैं जिनमें स्लम डॉग मिलियनेयर, थ्री इडियट, बजरंगी भाईजान आदि शामिल हैं। विक्की के भाई सनी भी हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं। सनी ने बतौर सह निर्देशक फिल्म गुंडे और माय मेंट मिंटो में काम किया है। वर्ष 2009 में विक्की ने राजीव गांधी इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई से मैकेनिकल इंजीनियर के स्नातक में पढ़ाई पूरी की। विक्की के पास नौकरी करने का विकल्प था लेकिन एक्टर बनने की चाहत उन्हें थिएटर और फिर बाद में फिल्मी दुनिया ले आई। डिग्री मिलने के बाद विक्की ने किशोर नामित कपूर के तहत एक अभिनय कार्यशाला में शामिल हो गए। उन्होंने लव शूट, चेतिकन खुराना और बॉम्बे वेलकर जैसे फिल्मों में मामूली अभिनय निभाया। इसके अलावा वो एक शॉर्ट फिल्म गीक आउट में भी नजर आए। इस बीच विक्की मानव कॉल और नसीरुद्दीन शाह के समूह के साथ ही थिएटर कर रहे थे। विक्की कौशल की कॉलेज के दिनों में एक्टर बनने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। यही वजह है कि उन्होंने कुछ ही दिन तक आईटी कंपनी में काम भी किया था लेकिन थोड़े दिन बाद ही आध घंटे की जॉब से वे ऊब गए थे और फिर उन्होंने अपने पिता के साथ फिल्म सेट पर ही जाना शुरू कर दिया और इस तरह एक्टिंग की तरफ उनका झुकाव बढ़ा। इसके बाद उन्होंने किशोर नामिक कपूर एकेडमी से एकेडमिक का कोर्स किया। फिर साल 2010 में विक्की ने निर्देशक अनुराग कश्यप के साथ फिल्म गैंग ऑफ वासीपुर में सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया था। वर्ष 2010 में विक्की ने निर्देशक अनुराग कश्यप के साथ बतौर सहायक निर्देशक फिल्म गैंग ऑफ वासीपुर में काम किया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान नीरज घाघवन भी फिल्म गैंग ऑफ वासीपुर में बतौर सहायक निर्देश कर रहे थे। इस दौरान कौशल और नीरज की अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिल्म वासीपुर के खत्म होने के बाद नीरज ने फिल्म मसाल निर्देश करने की सोची जिसके लिए उन्होंने विक्की को ऑडिशन के लिए बुलाया। फिल्म मसाल में विक्की ने एक बनारसी लड़के की भूमिका अदा की है। मसाल के बाद विक्की की दूसरी फिल्म जुबान थी जो मार्च 2016 में रिलीज हुई। इस फिल्म में एक युवा लड़के की कहानी है जो बड़बड़ाने की बीमारी से ग्रस्त है। उनकी अगली फिल्म रमन राघव 2.0 अनुराग कश्यप की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर थी जिसमें उन्होंने नशे की लत वाले किरदार को निभाया है। इसके अलावा विक्की मन मर्जियों में भी नजर आए हैं। इसके अलावा विक्की की एक फिल्म नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज हुई जिसका नाम लव पर स्क्वायर फुट। ये फिल्म नेटफ्लिक्स ओरिजिनल पर रिलीज हुई जिसमें विक्की के साथ अंगिरा धर, अलंकृत सहाय, रघुबीर यादव नजर आए थे। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे के भारत न्यूज़।